जापान के लोग शुरू से ही इसका इस्तेमाल करते हैं गाइस चावल का, तो हम भी क्यों ना करें, हम अपनी स्किन को लाइटिंग और ब्राइटिंग क्यों ना बनाएं। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको लेना है 3 चम्मच चावल, इसे धो लीजिए और इसे कम से कम 3 घंटा तक पानी में भिगोकर ऐसे छोड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे कि ये हो चुका है, तो इसके पानी को आप अलग निकाल लीजिए। इसमें आपको जो सामान ऐड करना है पानी में, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगी। तो आपको क्या करना है, चावल को अलग निकाल लेना है, फिर इसे जार में डाल दीजिए, इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह पीस लीजिए। फिर आपको जब ये अच्छे से हो जाएगा, स्मूथ पेस्ट बन जाएगा, तो आपको क्या करना है गाइस, छन्नी की हेल्प से इसे निकाल लेना है जूस को। फिर आपको इसमें जो सामान ऐड करने हैं, बहुत ही ज़्यादा कारीगर है, तो आपको क्या ऐड करना है, आपको लेना है 2 विटामिन ई का कैप्सूल लेना है आपको, थोड़ा सा इसमें बादाम ऑयल ऐड कर दीजिए। इसमें आपको करना है एलोवेरा जेल 2 चम्मच और आपको थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि इसका बहुत ही अच्छा क्रीम बनकर तैयार हो चुका होगा। तो आपको इसे कंटेनर में डाल दीजिए और इसे आप स्टोर करके 7 दिन के लिए रख लीजिए। आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा, लाइट होगा, वाइट होगा, आपका चेहरा बहुत ही खिल उठेगा गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा।